बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ थर्मोडाइनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। सो थर्मोडाइनेमिक्स इज़ डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, दैट इज़ थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन फ्लो। सो द स्टडी ऑफ हीट फ्लो इन अ केमिकल रिएक्शन इज़ नोन एज अ थर्मोडाइनेमिक्स। अगर हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करना चाहे, सो द फ्लो ऑफ हीट एंड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अ थर्मोडाइनेमिक्स। थर्मोकेमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो बोथ आर द सेम थिंग, लाइक द स्टडी ऑफ द हीट एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद अ केमिकल रिएक्शन एंड अ फेस चेंजेस लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। आपके पास क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान में या कहीं पे आपके पास फेस चेंजेस किसी भी चीज़ के अंदर हो रही होती है, तो उसके दौरान में जो एनर्जी चेंजेस आती है उसकी स्टडी को हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। जो केमिकल रिएक्शन के दौरान में हीट या तो रिलीज़ होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। अगर हीट रिलीज़ होती है तो इस किस्म की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं और ये स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं हमारे पास। फिर कुछ हमारे पास ऐसी रिएक्शंस है कि उनको परफॉर्म करने के लिए हमें बाहर से हीट सप्लाई करनी होती है, सो इस किस्म की रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। थर्मोडाइनेमिक्स हमारे पास डेली लाइफ में मुख्तलिफ फील्ड्स में अप्लाई होती है, लाइक बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में एंड इंजीनियरिंग, और इसके अलावा ढेर सारी ऐसी रिएक्शंस में या ऐसी फील्ड्स में कि जहाँ पे हमारे पास हीट की फ्लो को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, सो हमारे पास उसमें थर्मोडाइनेमिक्स अप्लाई होती है। Now there are certain terms which are useful for understanding the thermodynamics. First type of thermodynamic terms हमारे पास क्या है, system, surrounding and boundary. System आपके पास किसी भी thermodynamics थर्मोडाइनेमिक टर्म्स में आपके पास क्या है कि वो एरिया जिसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उस किस्म की एरिया को या किसी अपरेटस को या किसी भी सिस्टम किसी भी चीज़ को हम सिस्टम कहते हैं। सो वी कैन से दैट द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर थर्मोडाइनेमिक स्टडी इज़ नोन एज अ सिस्टम। फिर सराउंडिंग की बात कर ले तो हर वो चीज़ जो कि सिस्टम के आउटसाइड पे मौजूद हो, जो अंडर ऑब्जर्वेशन ना हो, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ नॉट द अंडर द थर्मोडाइनेमिक स्टडी इज़ नॉन एज अ सराउंडिंग। एंड बाउंड्री की बात कर ली जाए, सो सिस्टम और सराउंडिंग को अगर इमेजिनरी और रियल सर्फेसिस सेपरेट करते हैं तो इस किस्म की लाइन्स या इस किस्म की सर्फेसिस को हम क्या कहते हैं, बाउंड्रीज़ कहते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम की बात कर ली जाए तो हमारे पास दो सिस्टम को दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, वन इज़ होमोजीनियस सिस्टम एंड द अदर इज़ हीट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम में आपके पास क्या होगा कि पूरे का पूरा सिस्टम आपके पास थ्रू आउट जो है वो यूनिफॉर्म रहता है, मतलब कि हम या सिर्फ सॉलिड सिस्टम को ऑब्ज़र्व करते हैं या लिक्विड को करते हैं या गैसेस के मिक्सचर को लेते हैं या फिर हम कोई और ट्रू सॉल्यूशन लेते हैं, सो इस किस्म के सिस्टम को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। फिर हमारे पास सिस्टम है हीट्रोजीनियस, जिसमें सिस्टम्स जो है वो मोर देन टू फेजेस पे कंसिस्ट करता है, लाइक अगर हम ऑब्ज़र्व करें आइस को इन कॉन्टेक्ट विद वाटर, सो ये हमारे पास हीट्रोजीनियस सिस्टम हुआ, जिसमें आइस हमारे पास सॉलिड है और वाटर जो है वो हमारे पास लिक्विड है, सो इस किस्म के सिस्टम को हम हीट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। फिर हमारे पास क्या है कि देर आर सर्टन टाइप of the system, the one is open system, closed system and isolated system. ओपन सिस्टम वो सिस्टम है कि जिसमें आपके पास मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज होता है, लाइक सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज हो।
क्लोज्ड सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें ओनली इनर्जी चेंजेस हो, सो इस किस्म के सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। एंड आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम है कि जिसमें ना तो मैटर जो है वो एक्सचेंज होता है टू द सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर आ जाए, और ना ही हमारे पास इनर्जी एक्सचेंज होती है। नाउ अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो लेट सपोज ये हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर कोई गैस अवेलेबल है या यहाँ पे कोई वाटर अवेलेबल है, सो वाटर की हम बॉइलिंग चेक करना चाहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर, जो कुछ कोई भी प्रॉपर्टी हम इसकी चेक करना चाहते हैं, सो ये जो जगह है ये हमारे पास अंडर स्टडी है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। हम इस पे मुख्तलिफ कंडीशंस अप्लाई करते हैं और उसमें चेंजेस आती है, इस दौरान में या तो इनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, सो ये पूरा का पूरा हमारे पास सिस्टम है। फिर यहाँ पे जो बाहर एरिया है जिसको हम ऑब्जर्व नहीं करते, लेट सपोज यहाँ पे कोई पानी मौजूद हुआ, ठीक है, इसको हम ऑब्ज़र्व नहीं करते, सो हमारा उसके साथ कोई काम ही नहीं है और ये एक्ट करता है एज अ सराउंडिंग। और जो रियल यहाँ पे, अब चूंकि ये बीकर है तो बीकर में हमारे पास रियल जो है बाउंड्री वॉल मौजूद होती है जो सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। सो ये हमारे पास क्या है कि शॉर्ट एग्जाम्पल ऑफ अ सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री है। फिर हमने तीन टाइप्स इसकी पढ़ी, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होगा कि हीट भी सराउंडिंग को भी जा सकती है या सराउंडिंग से भी आ सकती है, सेम इन द केस मैटर भी आपके पास सराउंडिंग में जा सकती है। लाइक अगर हम देखें हम पानी को बॉयल करना चाहें, तो जब बॉयलिंग पॉइंट पे वो पहुंच जाता है तो उसके बाद पानी जो है एवोपोरेट होना शुरू कर लेता है। जब मैक्सिमम एवोपोरेशन होगी तो आपके पास क्या है, पानी का लेवल इस सिस्टम में कम होना शुरू हो जाएगा। सो क्या हुआ कि यहाँ पे जो मैटर का एक्सचेंज भी आपके पास हुआ है। क्लोज सिस्टम है तो क्लोज सिस्टम में हीट जो है, हीट का एक्सचेंज होता है, लेकिन हाँ आपके पास क्या है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। लाइक आप जो है पानी को बॉयल करें, लेकिन आपने यहाँ पे एक पिस्टन लगाया हुआ है या आपने इस पे एक लिड रखा हुआ है, सो आपके पास क्या होगा कि पानी तो एवोपोरेट हो जाएगा लेकिन यहाँ पे वेपर प्रेशर क्रिएट हो सकता है, बट द वेपर कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस सिस्टम, सो वो इस सिस्टम के अंदर ही मौजूद होगा। फिर द थर्ड वन इज़ आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें ना तो हीट एक्सचेंज होती है ना जो है मैटर एक्सचेंज होता है, मतलब कम्प्लीटली हमारे पास आइसोलेटेड है। बस आपने जिस तरह आप लोग घरों में देखते हो ना थर्मोस हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें अगर ठंडा पानी रखोगे तो वो फॉर अ लॉन्ग टाइम ठंडा रहेगा, अगर गर्म पानी रखोगे तो वो फॉर अ लॉन्ग टाइम गर्म रहेगा, सो वो हमारे पास अ फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम है। नाउ सेकेंड टर्म्स, सेकेंड टाइप जो है हमारे पास थर्मोडाइनेमिक टर्म्स की क्या है, दैट इज स्टेट एंड स्टेट फंक्शन। ओके, व्हाट इज स्टेट? स्टेट इज अ थर्मोडाइनेमिक सिस्टम, इट इज सेड टू बी दैट, सो अ थर्मोडाइनेमिक सिस्टम इज सेड टू बी इन अ डेफिनेट स्टेट व्हेन ऑल इट्स प्रॉपर्टीज हैव अ डेफिनेट वैल्यूज। हम क्या कहते, स्टेट किसको कहते हैं कि एक थर्मोडाइनेमिक सिस्टम है वो एक ख़ास स्टेट में मौजूद होता है जब उनकी सारी की सारी वैल्यूज जो है वो डेफिनेट हो। पानी की अगर मिसाल ले ले तो नॉर्मल कंडीशन में वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर लो कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लो कर लेते हैं, सो वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है। सो वो स्टेट क्या है कि जिसमें ये एक थर्मोडाइनेमिक सिस्टम है कि जिसमें हर जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसकी डेफिनेट वैल्यूज़ होती है, लाइक एक ख़ास टेम्परेचर पे आपके पास सॉलिड होगा, एक ख़ास टेम्परेचर पे
एक ख़ास टेम्परेचर पे वो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, और या फिर ख़ास टेम्परेचर पे वो आपके पास वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि व्हेन अ सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन इज सेड टू बी अ पर्टिकुलर स्टेट। लाइक आप कुछ ख़ास कंडीशन प्रोवाइड कर ले, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एट्सेट्रा, और वो आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट में एक सिस्टम मौजूद रहे, सो इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास एक सिस्टम की स्टेट है। स्टेट फंक्शन की बात कर ली जाए, सो इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विच कम्प्लीटली डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स, या इसको हम स्टेट फंक्शंस भी कहते हैं या थर्मोडाइनेमिक फंक्शंस भी कहते हैं। लाइक ये आपके पास क्या है कि किसी भी सिस्टम के आप किसी सिस्टम को अगर ऑब्ज़र्व करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ ख़ास पैरामीटर्स प्रोवाइड करोगे, वो पैरामीटर्स आपके पास स्टेट फंक्शंस कहलाती है। लाइक अगर हम कंसंट्रेशन देख लेते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं एंड प्रेशर देखते हैं, सो दीज ऑल आर अ स्टेट फंक्शंस एंड दीज ऑल डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड अ फाइनल स्टेट। अब अगर स्टेट फंक्शंस ओनली एक्सप्लेन द करंट स्टेट ऑफ अ सिस्टम, लाइक आपके पास एक स्टेट है, वॉल्यूम आपको दिया है, एक ख़ास टेम्परेचर आपको दिया गया है या एक ख़ास प्रेशर आपको दिया गया है, तो उस पॉइंट पे आपको वो क्या कर लेंगे कि करंट स्टेट बताएंगे। लाइक 25 डिग्री सेंटीग्रेड पानी आपके पास लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लेकिन अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो आपके पास वो वेपराइज्ड भी हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। सो द As for a state function, one property or variable can change the state of a system, and that's why it is known as a state variable or state function. So हम कह सकते हैं कि आपके पास जो state functions है या state variables है, उसकी वजह से किसी भी system की properties को हम observe कर सकते हैं। फिर characteristic of state function हमारे पास क्या है? It is only depend upon initial and final state, not on the path followed. Like state functions अगर आपके पास हैं तो इसको हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे के थ्रू जो है एक्सप्लेन करते हैं, इस पे एक्सप्लेन नहीं करते कि आपने कौन सा मेथड फॉलो किया है। लाइक आप जो है किसी चीज़ को सॉलिडिफाई, पानी को सॉलिडिफाई करना चाहते हो तो आप उसको प्रेशर के थ्रू भी सॉलिडिफाइड कर सकते हो, या फिर आप जो है टेम्परेचर भी कम करके कर सकते हो। सो ये आपके पास क्या है कि आपने मुख्तलिफ मेथड अप्लाई किए, लेकिन उसकी वजह से जो फेस चेंजेस क्रिएट हुई वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रही है, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड के आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। अगर हम इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर को अगर देखें, तो इनिशियली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो आपके पास लेट सपोज लिक्विड फॉर्म में था, और आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सो द चेंज इन टेम्परेचर विल बी वर्ड 0 से 25 तक, मतलब आपके पास डेल्टा टी जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, एंड देट इज़ इक्वल टू T2 माइनस T1, सो देट इज़ आल्सो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चाहे आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड उस एरिया का ऑलरेडी टेम्परेचर हो या आप ख़ुद प्रोवाइड करेंगे, सो बोथ में आपके पास क्या होगा कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ये डिपेंड करेगा, दरमियान की किसी भी स्टेट को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सेकंड वन आपके पास क्या है कि व्हेन अ स्टेट ऑफ द सिस्टम इज स्पेसिफाइड बाय गिविंग वैल्यूज टू सम ऑफ द स्टेट फंक्शंस, द वैल्यू ऑफ द अदर स्टेट फंक्शन आर फिक्स्ड। लाइक आप क्या करते हो कि एक स्टेट फंक्शन आप प्रोवाइड उसको चेंज कर रहे हो,
ठीक है। सो बाकी के आपके पास क्या होंगे, वो फिक्स्ड वैल्यूज़ होंगे, लाइक प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है एंड नंबर ऑफ मोल्स है, दैट इज़ कंसंट्रेशन। सो इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के थ्रू हमें एक फार्मूला मिला था जिसको इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं, दैट इज़ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। लेट सपोज आपके पास प्रेशर जो है 1 मोल ऑफ गैस का वो चेक करना चाहते हो, जिसका वॉल्यूम 5 dm³ है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो आपके पास इसका जो प्रेशर होगा वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, ठीक है। सो इसमें कोई और वेरिएबल भी है हमारे पास, जैसे कि अगर लेट सपोज हमें टेम्परेचर नहीं दिया गया, तो अगर बाकी वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल हुए तो ऑटोमेटिकली इसका ये टेम्परेचर का वेरिएबल एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। सो ये आपके पास 2 करेक्टरिस्टिक है स्टेट फंक्शन की। फिर हम बात कर लेते हैं नाउ इंटरनल एनर्जी की। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि नोट में अगर हम देखें तो हीट एंड वर्क जो है वो हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि हीट एंड वर्क जो है उसकी हम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स को नहीं देखते, वो पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ है। हमारे पास पाथ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्टेट फंक्शंस होती है। सो मेन जो मेजर आपके पास स्टेट फंक्शंस है, दैट इज़ प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स है, इसके अलावा इंटरनल इनर्जी भी आपके पास स्टेट फंक्शन है, एज वेल एज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन भी आपके पास स्टेट फंक्शन है। नाउ इंटरनल इनर्जीज की बात कर लेते हैं, तो इंटरनल इनर्जी आपके पास क्या है, इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक इनर्जी एंड पोटेंशियल इनर्जी। किसी भी सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक इनर्जी और पोटेंशियल इनर्जी का सम आता है, उस चीज़ को हम इंटरनल इनर्जी कहते हैं। काइनेटिक इनर्जी आपके पास 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है किसी भी सिस्टम के अंदर। 1 is translational, द अदर इज़ रोटेशनल एंड द 3rd इज़ वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन क्या है कि आप जो है एक ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर ले स्ट्रेट, सो इट इज़ नोन एज अ ट्रांसलेशनल मोशन। लाइक पहले ये यहाँ पे मौजूद था, आफ्टर सम टाइम इसने इतना डिस्टेंस कवर किया और इस पोजीशन पे पहुँच गए। रोटेशनल मोशन आपके पास क्या है कि अलोंग देयर ओन एक्सिस आपके पास वो मॉलिक्यूल्स या वो एटम जो है जो इसका एक्सिस है उसके गिर्द रोटेट करे, क्लॉकवाइज रोटेट या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, ठीक है। एंड वाइब्रेशनल मोशन क्या है कि लेट सपोज आपके पास डायटामिक हो, ट्राईटामिक मॉलिक्यूल्स हो, सो वो जो है क्या कर ले, टू एंड फ्रो मोशन करे, तो आपके पास अवे फ्रॉम ईच अदर या टूवर्ड्स ईच अदर मूवमेंट करे, सो इट इज़ नोन एज अ वाइब्रेशनल मोशन। पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी पोटेंशियल एनर्जी इतनी कम होगी। जितना आपके पास क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स मतलब चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से फार अवे होंगे, सो उनके दरमियान में पोटेंशियल एनर्जी सबसे हाई होगी। सो इंटरनल इनर्जी क्या है, अगेन हम इसके बारे में कहते हैं कि इंटरनल इनर्जी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेंशियल इनर्जी एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई, एज वेल एज इट इज़ आल्सो अ स्टेट फंक्शन दैट इज़ दैट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। लाइक किसी भी सिस्टम के अंदर हम इंटरनल इनर्जी को ऑब्जर्व इस तरह क्लियरली नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें मिल जाती है जो डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। और एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो हमारे पास 2 फॉर्म में होती है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इन द फॉर्म ऑफ वर्क।
अब अगर हम इफ़ेक्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑन द सिस्टम देखते हैं, सो बिकॉज ऑफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास क्या होगा, इट कैन काज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। क्योंकि देखें, अगर आप बाहर से टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम आपके पास इंक्रीज होगा। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी की वजह से फेस चेंजेस भी आ जाती है। लाइक इनिशियली जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम थी, उनकी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कम थी, सो एट दैट स्टेट द मॉलिक्यूल आर इन अ स्टैटिक स्टेट। आपने टेम्परेचर प्रोवाइड की, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज हो गई, सो इसकी वजह से आपके पास क्या होगा कि मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कम हो जाएगी, और वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। और लाइक अगर हम आइस की बात कर ले, तो आइस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, तो इंटरनल एनर्जी की वजह से आपके पास फेस चेंजेस क्रिएट होती है। इसके अलावा बिकॉज ऑफ द इंटरनल एनर्जी केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंजेस आर आल्सो अकर। लाइक अगर हम देखें कि आप जो है पानी के साथ सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करते हो, लाइक पानी में सोडियम क्लोराइड को डाल दो, या फिर इसके अलावा जो है कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। सो इस दौरान में कोई ना कोई हीट जो है वो रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होगी, सो उसकी वजह से आपके पास क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होंगे। नाउ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरनल एनर्जी जो है टू फॉर्म्स में होती है। वन इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो हीट इज़ व्हाट, दैट इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड हीट। किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है, इसको हम हीट कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू, एंड द यूनिट ऑफ क्यू इज़ जौल या कैलोरीज है, एंड वन कैलोरी हमारे पास 4.184 जौल के बराबर है। फिर हमारे पास क्यू जो है, दैट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अगर आपके पास क्यू की वैल्यू पॉजिटिव हो, सो इट विल बी एक्सप्लेन दैट द हीट इज़ गिवन टू द सिस्टम। मतलब कि आपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर दी है। अगर क्यू की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, सो हम कहते हैं कि द हीट इज़ गिवन बाय द सिस्टम। हमारे पास क्या है, हीट जो है वो सिस्टम ने बाहर प्रोवाइड कर दी, सही है, और इसमें को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क की बात कर ली जाए, तो वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स पर यूनिट या फोर्स इनटू डिस्टेंस है। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इनटू डिस्टेंस की बात कर ली जाए, एंड लाइक अगर हम देखें, इसको दूसरे फॉर्म में भी कह सकते हैं कि वर्क इज़ एनी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट। लाइक आपके पास एक बाउंड्री है, और उसमें क्या कर रहे हैं, वर्क को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, सो वो आपके पास एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने में जितना एरिया कवर करते हैं, इसको हम वर्क कहते हैं। नाउ थर्मोडाइनेमिक्स में हमारे पास जो मेन वर्क आती है, इसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं, एंड द प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज़ आल्सो नोन एज अ वर्क ऑफ एक्सपेंशन ऑफ अ गैसेस। लाइक ये आपके पास एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की वजह से ये वर्क परफॉर्म होता है। सो प्रेशर इज़ व्हाट, दैट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, और अगर फोर्स को हम ले लेते हैं, सो दैट इज़ इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। लेट सपोज आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, और उसमें आपने एक बीकर लिया है, उसमें आपने अ सर्टन वॉल्यूम ऑफ गैस लिया है जिसने एक एरिया कवर किया है, दैट इज़, और उसकी सरफेस पे जो है या उस पे एक मूवेबल पिस्टन रखा है।
ठीक है। सो आप क्या करते हो कि बाहर के साइड से इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो। टेम्परेचर प्रोवाइड करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से ये जो मूवेबल पिस्टन होगा ये क्या कर लेगा, अपनी जगह से एक्सपेंड कर लेगा, अपनी जगह से मूव हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक एरिया कवर करेगा डेल्टा एल। डेल्टा एल या डी एल की बात कर ले तो स्मॉल चेंज आ गई है इस स्पेसिफिक लेंथ में। सो अगर हम देखते हैं, हमने क्या कहा कि प्रेशर इज फोर्स इनटू पर यूनिट एरिया है एंड फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया है। इफ़ द पिस्टन मूव्स टू द डिस्टेंस डी एल सो वर्क इज डन बाय द गैस एंड द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। अब देखें कि डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू ए इंटू डी एल, ठीक है। फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, प्रेशर इनटू एरिया एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ये जो मूवेबल पिस्टन था वो उसने क्या किया, अ सर्टेन डिस्टेंस जो है कवर किया। सो ये हमारे पास चेंज इन द लेंथ आ गया है, ठीक है। सो एरिया इनटू डी एल जो है दैट इज़ एक्चुअली अ वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, मतलब इसने अ सर्टेन वॉल्यूम को कवर किया। सो हम क्या कहते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी या डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। इस ये हमारे पास लार्ज चेंज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम में, और ये हम स्मॉल चेंज के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड डी एल जो है वो आपके पास या तो एक्सपेंशन की वजह से होगी या फिर कंट्रैक्शन की वजह से होगी। सो हमारे पास क्या था, जो बीकर था उसका सरफेस एरिया ए है और उसने जो आपने जो पिस्टन रखा था मतलब उसका सरफेस एरिया ए था और उसने जितना डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास डी एल था। एज अ होल इसको हम क्या कहते हैं, इसको चेंज इन वॉल्यूम कहते हैं। सो प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज वर्ट डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। और ये हमारे पास थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी थर्मोडाइनेमिक्स की।